किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इसी वो लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डेली जीके क्विज सीरीज के 5वें वीडियो में। कुछ दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, कारण यही था कि मैं अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो अब मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर से आपके सामने डेली जीके क्विज लेकर के आ गया हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी दिन मैंने आपको गैप बना दिया है, वो गैप एक दिन में दो वीडियो प्रोवाइड करके पूरी कर दूँ। तो उम्मीद रखिए कि आपको डेली दो वीडियोज ऐसे मिलेंगे, एक सुबह मिल जाएगा, एक शाम मिल जाएगा। तो वीडियो को एंजॉय करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। गेहूं क्या है? गेहूं क्या है? तो देखिए दोस्तों, गेहूं जो है वो एक साग है, ठीक है? गेहूं एक साग कैटेगरी में आता है। यहां पर आपको समझना होगा कि पेड़ पौधे साग, अब देखिए साग किसे कहा जाता है, साग और जो जड़ी बूटियां होती हैं, इन्हें जो ऐसे कोई भी पौधे जो एक साल से कम एक सीजन के लिए ही आते हैं, उन्हें हम साग की श्रेणी में रखते हैं। तो जितने भी फसल होते हैं वो साग की श्रेणी में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस फल का बीज उसके बाहर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्ट्रॉबेरी का बीज कहाँ पर होता है, तो उन्हीं के लिए मैं ये स्पेशल आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्ट्रॉबेरी है उससे बीज बाहर निकाला जा रहा है। स्ट्रॉबेरी में जो गड्ढे होते हैं उन्हीं में उनके बीज बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। आप बहुत ही छोटे पिन से, बहुत ही पतले पिन से उन्हें निकाल सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में निकाला जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉबेरी के बीज कहाँ होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि स्ट्रॉबेरी में बीज होते भी हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेजिन किससे प्राप्त होता है। तो रेजिन जो है ये शुद्ध अच्छा वाला रेजिन जो होता है वो शंकुधारी वन से प्राप्त होता है। अब रेजिन होता क्या, और मैंने अच्छा वाला रेजिन ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, पेड़ों से आपने देखा होगा कि गोंद निकलते हुए, जो गोंद निकलता है उसे ही रेजिन कहा जाता है, ठीक है? और ये एक हाइड्रोकार्बन पदार्थ होता है, ठीक है, जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है। आपने देखा होगा आम वगैरह के पेड़ में देखा होगा, तो उसे रेजिन ही कहा जाता है। लेकिन वो आम से अगर निकले, चाहे किसी और से निकले, तो वो शुद्ध नहीं होता। लेकिन अगर शंकुधारी वन से निकलता है तो वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। और इसका प्रयोग जो है हम लोग गोंद बनाने में, लकड़ी को जो रोगन करते हैं उसमें, सुगंध के लिए यूज करते हैं, और अगरबत्ती बनाने में भी करते हैं। अगरबत्ती में भी सुगंध डालने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो याद रखेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको रोग जो रेजिन है उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त पत्तियों वाला पौधा है, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा कौन सा है? नारियल। आपने नारियल के पत्ते देखे होंगे, अगर आप देखे नहीं देखे हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, नारियल के जो पत्ते होते हैं वो संयुक्त पत्तियों वाला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 90% लोगों को ये पता रहता है, यूकेलिप्टस। देखिए दोस्तों, यूकेलिप्टस जो है, ये यूकेलिप्टस का 90% जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और बाकी जो 10% हिस्सा है वो बाकी एरियाज में फैला हुआ है। और बहुत जगह पे यूकेलिप्टस को बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि ये इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन इसका खासियत यह है कि इसके बीज आग में भी नहीं जलते हैं, तो आग से जल जाने के बाद भी यहाँ पे फिर से नया पौधा उग जाता है। तो इसीलिए यूकेलिप्टस जो है इसीलिए खत्म नहीं होता है जल्दी। और यूकेलिप्टस की एक और बात बताई जाती है कि ये कहीं पे भी पानी को बहुत ज़्यादा जल्दी से सूखता है। तो इसीलिए इंडिया में भी ऐसे कहीं बहुत सारे जगहों पर बैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे यूकेलिप्टस के ज़्यादा जंगल हो जाते हैं, वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ पे पानी की दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव वायु प्रदूषक का, निम्न में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण का परिवीक्षक होता है? तो ये लाइकेन होता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज का ही प्रयोग करके हम पेपर बनाते हैं। पेपर यानी कि कागज जो हम बनाते हैं वो सेल्यूलोज के यूज से ही पेपर हम बनाते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक जो है ये
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक विभाज्योतकी उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। फिर बाकी इसमें भी इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन दो जो उत्तक होते हैं, एक विभाज्योतकी उत्तक इसको विभाज्य किया जाता है, और एक होता है अस्थायी उत्तक जो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये की गई थी हैबर लैंड के द्वारा। ये हैबर लैंड के द्वारा किया गया था। स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, आप कंफ्यूज ना हो, ये यहाँ पे टी है लास्ट में और वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हैबर लैंड के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो ये पौधों को का जो हम अलग अलग प्रकार से उसे उत्पन्न करते हैं, उसे हम उसकी हम पैदावार बढ़ाते हैं, इस पर जो हम रिसर्च करते हैं वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, कहीं आलू का, कहीं प्याज का, कहीं चावल का, तो ये सभी टिश्यू कल्चर ही कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से कि उसको उसका सिर्फ एनडीए को सॉरी डीएनए को यूज करके कैसे पूरा का पूरा आलू या फिर पूरा का पूरा चावल का पेड़ ही कैसे उगा लें, क्योंकि मेरे एक मित्र काम करते हैं जो आलू रिसर्च सेंटर में काम करते हैं शिमला में, तो उन्होंने बताया था कि आलू की एक पत्ती से ही पूरा का पूरा आलू का पेड़ बना दिया जाता है। आलू का एक पत्ती को वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है तो उस आलू से उस पत्ती से पूरा का पूरा आलू का पेड़ बना दिया जाता है और बाद में उसी से जो उसका बीज निकाला जाता है। तो ये सब जो है टिश्यू कल्चर की ही अवधारणा से संभव हो पाया है और ये हैबर लैंड की दी हुई देन है। अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ के छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? आप और हम सभी करते हैं, दालचीनी का। वहीं अगर लौंग की बात करें तो ये एक फूल होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कि भारत में वैट टैक्स कब शुरू किया गया था? भारत में वैट टैक्स कब से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2005 में। वहीं अगर मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में कब से शुरू किया गया है, तो विश्व में ये जो है शुरू किया गया था 1954 में, और ये सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे आप, फ्रांस में स्टार्ट किया गया था। और वहीं आप बात करें अगर जीएसटी की, तो जीएसटी भी सबसे पहले फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कर उत्पादन के हर चरण में लगाया जाता है? तो ये वैट ही है जो उत्पादन के हर चरण में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ये एक बिक्री कर है जो अप्रत्यक्ष है। बाकी सारी करें आपको सामने से देनी होती है, लेकिन बिक्री कर में जो आप कुछ सामान खरीदते हो तो उसी में वो इंक्लूडेड रहता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। लेकिन हर व्यक्ति बिक्री कर, जैसे आय कर तो एक लिमिटेड आय वाले ही व्यक्ति देते हैं, निगम कर और व्यक्तिगत संपत्ति कर भी जो एक दायरा बनाया गया है वही लोग देते हैं, लेकिन बिक्री कर सभी लोग देते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माल और सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया, यानी कि माल और सेवा कर के द्वारा, यानी कि ये जीएसटी की बात यहाँ पे हो रही है। जीएसटी को हिंदी में हम माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, तो इसके द्वारा वैट को ही समाप्त किया गया है, आपको इसकी जानकारी जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे एकत्र करती है? अब कौन सा जो कर है वो लगाती तो राज्य सरकार केंद्र सरकार है, लेकिन एकत्र इसे जो है वो राज्य सरकार करती है, तो ये जो है ये होता है स्टाम्प शुल्क, ठीक है। और ये स्टाम्प शुल्क के बारे में आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा, तो ये दस्तावेजों पर लगने वाला एक कर होता है, जैसे चेक पर लगता है, फिर रसीद पर, किसी भी रसीद पर लगता है, फिर भूमि पंजीकरण के समय भी लगता है। ये ऊपर दिया हुआ ही है कि ये लगाती है केंद्र सरकार, लेकिन ये जो फंड जाता है वो राज्य सरकार के हिस्से में जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर महिंद्रा कंपनी विदेश से किसी उत्पाद का आयात करती है तो उस पर कौन सा कर लगाया जाएगा? तो उस पर कौन सा कर लगेगा? तो उस पर लगेगा सीमा शुल्क। क्या लगेगा? सीमा शुल्क। अगर विदेश से कोई भी वस्तु उत्पाद करके आयात करते हैं तो उस पर सीमा शुल्क लगता है, और ये सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और ये सीमा शुल्क आता किस बोर्ड के अंदर है? तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंदर आता है, और इसके चेयरमैन अभी प्रणव दास हैं, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है? तो ये कृषि कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लागू किया जाता, बाकी ये तीनों केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का क्या मतलब है, यानी कि जीएसटी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स जी से एंड सर्विसेज
और टी से हो जाएगा टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में आप इसे वस्तु एवं सेवा कर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कब भारत में जीएसटी लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू कर दिया गया था। और हमने जो जीएसटी का मॉडल लिया है वो कनाडा से है, क्योंकि हमारा हमारे यहाँ दो बहु यानी कि दो रुपये चलते हैं, एक एक स्टेट जीएसटी और एक होता है सेंट्रल जीएसटी, SGST CGST चलता है, तो स्टेट के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग, तो यही चीज़ कनाडा में भी है और वहीं से हमने इसे लिया है, बहुत बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो आप सामने से देते हैं, तो ये सभी यानी कि आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये सभी के सभी प्रत्यक्ष कर हैं, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी सी आर्थ्रोपोडा के बारे में जानकारी दे देता हूं। देखिए आर्थ्रोपोडा जो है ये इसमें कौन कौन से आते हैं, तो अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको इसका जानकारी रहेगा। देखिए इसमें तिलचट्टा आता है, झींगा मछली आता है, केकड़ा आता है, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और ये देखिए फाइलम जो है तो इसमें मुख्य रूप से प्राणी जगत को 10 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे, यानी कि जो भी जीवित चीज है उन्हें 10 भागों में बांट दिया गया है। क्या है, एक प्रोटोजोआ है, फिर पॉरीफोरा है, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर प्लेटीहिल्थेलमिस है, फिर उसके बाद एस्केल मिंथीज है, फिर उसके बाद एनिलीडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, और इनकी इन सब के अलावा दो और हैं, वो दो हैं, एक कार्डेटा है और एक है इकाइनोडर्मेटा। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किस संघ से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है, और ये क्वेश्चन इस बार रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। पहला सभी को पता रहता है, दूसरा किसी को पता ही नहीं रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलस्का, इसका सही आंसर हो जाएगा मोलस्का फाइलम। और मोलस्का फाइलम के अंतर्गत जो है ऐसे जीव आते हैं जिनके शरीर में कहीं ना कहीं कवच होता है, जैसे कि कछुआ, जैसे कि घोंघा, जैसे कि सीपियां, ये सब आता है, तो याद रखेंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा किस फाइलम से संबंधित है, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है, तो अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ फाइलम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रोटोजोआ फाइलम का क्या है, क्या इसका लक्षण है, कि ये जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव ही है। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो स्पंज पोरी फेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पोरी फेरा। और पोरी फेरा क्या होता है, तो ये जो भी जंतु होते हैं वो खारे पानी में पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप, खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु जो हैं वो क्या, पोरी फोरा ग्रुप में आते हैं। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मकड़ी किस फाइलम का है, मकड़ी किस फाइलम का है, तो ये आर्थ्रोपोडा है। मकड़ी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि मकड़ी और मच्छर वगैरह सब जो हैं ये पौरी ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। दोस्तों यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि हमें भी हमारे मेहनत का कुछ फल मिल सके। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक जरूर करें, और अपना रिस्पॉन्स वीडियो के एंड में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।